हेलो गाइस, तो आज हम सबसे सस्ता हीटर बनाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, इस हीटर को बनाने में केवल 25 रुपए का खर्चा आया है और इस हीटर को हमने ईंट से बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि आप इस तरह के हीटर को घर पर किस तरह से बना सकते हो, और ये हीटर 100% सेफ भी है। तो गाइस, इस हीटर को बनाने में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एक ईंट का। ईंट जो होती हैं वो ज़्यादातर रेक्टेंगल शेप में ही मिलती हैं, बट यहाँ पर हमारे पास जो ईंट है उसके साथ एक प्रॉब्लम है। ये जो ईंट है वो प्रॉपर फ्लैट नहीं है। यहाँ आप देखिए, इसका जो सरफेस है ऊपरी या फिर साइडों के जो सरफेस हैं वो कहीं कहीं नीचे हैं, कहीं कहीं ऊँचे हैं, जिससे जो हम हीटर बनाएंगे उसके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम इस ईंट को ही थोड़ा घिसते हैं, जिससे इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाएगा, जिससे हम हीटर बनाने में हमें आसानी रहेगी। तो सबसे पहले इसे हम घिसते हैं और इससे इसका जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और गाइस, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद हमारी जो ईंट है वो प्रॉपर सही तरीके से फ्लैट हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इस ईंट के ऊपर कुछ पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जो कि आपको ध्यान से देखनी है। और इसी तरह के पैटर्न अगर आप हीटर बना रहे हो तो उस पर भी आपको इसी तरह के सेम पैटर्न ड्रॉ करना है। स्टार्ट होता है सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा टाइम वाला काम। इसमें 1-2 घंटा आराम से लग ही जाएगा। तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आपको जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट आपको दिखा देते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाए। इसमें ज्यादा कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक बात खास है, इसकी जो नली हमने जो इसकी नली बनाई हुई है उन नली को हमने थोड़ा गोल रखा है, जिससे इसमें के अंदर हम जो वायर डालेंगे, जो स्प्रिंग डालेंगे, वो इसके अंदर अटक जाए, वो बाहर ना निकले, वरना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो इसे आपको थोड़ा इन जो नालियाँ हैं उनको थोड़ा गोल करना है। एंड उसी के साथ ही हमने यहाँ पर 2 छोटे-छोटे होल भी कर रखे हैं साइड पर, जिससे कि जो वायर हैं वो अंदर आ सकें। अब बनाते हैं हैंडल के लिए थोड़ी सी जगह, जो कि अपने यूनिक स्टाइल में। ऑलराइट गाइज, तो अब हमारा मेहनत वाला काम खत्म हो चुका है और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक के बटन को दबा सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अब आप इस ईंट को ध्यान से देख लीजिएगा, इसके ऊपर वाले हिस्से पर हमने इस तरह के पैटर्न बनाए हैं एंड साइड वाले हिस्से पर हमने हैंडल के लिए इस तरह के पैटर्न बनाए हैं, जिससे इसके अंदर जो हैंडल है वो काफ़ी अच्छे से फंस जाए। तो चलिए अब करते हैं थोड़ा मैकेनिकल वर्क। गाइस, इस हीटर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 हीटर स्प्रिंग लाया था, एक 2000 वाट की थी, एक 1500 वाट की थी। आप 2000 वाट वाली स्प्रिंग की डिटेल को वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। और इसको हम करते हैं ओपन। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमने इस हीटर के अंदर जो स्प्रिंग इस्तेमाल की है वो 1500 वाट की है, क्योंकि ये जो मैं 2000 वाट की स्प्रिंग लाया था ये न्यू है। लेकिन जो 1500 वाट वाली स्प्रिंग थी उस पर हमने इसी हीटर को पहले बनाकर टेस्ट कर लिया है। तो चलिए अब जल्दी से इस स्प्रिंग को इस हीटर के अंदर फिक्स करते हैं। स्प्रिंग को फिट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस आपको जो वायर है उनसे कनेक्ट करना है एंड इसके जो चारों तरफ हमने जो पैटर्न बनाए हैं उनमें आपको इस स्प्रिंग को घुमा देना है और लास्ट में उस वायर से आपको फिर से कनेक्ट कर देना है, बस।
हमारा हीटर तो रेडी हो चुका है लेकिन अभी भी इसमें जो हैंडल हैं वो लगाने बाकी हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर स्टील के इस तरह के हैंडल बनाए हुए हैं। इसको बनाने में भी टाइम लगा था भाई, क्योंकि इसकी जो बिल्कुल साइज है वो हमने इसी ईंट के हिसाब से रखा है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका जो साइज है उसको देख सकते हो, और इन हैंडल को हम इस हीटर में लगाने वाले हैं। इस हीटर के हैंडल को हमने यूं ही नहीं इस डिज़ाइन का बनाया है, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जब हम इस हीटर पर कोई छोटा बर्तन रखेंगे तो हम इस हीटर के हैंडल को कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे, और जब हम कोई बड़ा बर्तन रखेंगे तो हम इसके जो हैंडल हैं उनको चौड़ा कर लेंगे, और उसके बाद हम इस हीटर पर कोई भी बड़े बर्तन को भी काफ़ी ईजिली रख सकते हैं। हमारा हीटर बनकर रेडी हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपका भी हीटर बनकर रेडी हो चुका होगा, लेकिन हमने अभी तक इस हीटर का टेस्ट नहीं किया है। तो चलिए इस हीटर को चलाकर देखते हैं और देखते हैं कि ये हीटर किस तरह से वर्क कर रहा है और कैसा वर्क कर रहा है। और अंत में मैं आपसे केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा है कि ये जो हीटर है वो परफेक्ट वर्क कर रहा है और ये 100% सेफ भी है, लेकिन इस हीटर का आपको सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करना है तभी ये सेफ है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, और इनको आप बच्चों की पहुँच से थोड़ा दूर ही रखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी के साथ ही हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए